टूटी फूटी काट के लाइए मेरे सामने, मेरा बेटे को जो काटा जो मारा उसके सामने लाके काटिए, तब हम जानेंगे कि मेरा बेटी को मिल गया। कल कितने बजे बेटी को फोन आया? मेरा बेटी कल ये घर से निकली 11 बजे नाश्ता करके, रास्ता में गई तो फिर भी इसको फोन किए, बेटी कहाँ तक पहुँची? तो बोली बुट्टी मोड़ तक पहुँचे हैं। फिर वहाँ गई तो बोली हम फोन किए, तो बोली रखो अभी मोबाइल मत कॉल कॉल करो। फिर लगा नहीं उठा रही मेरा बेटी। फिर 1:30 बजे लगाए हैं, तो 1:30 बज रहा था, तो बगझक हो रहा था, तो मैंने किसे बगझक करी मैया? तो बोली रखो तुम, डरपोक चौदह लेट कितना डरती हो, इतना बोला भाई यार मोबाइल काट दिया। फिर 3:30 बजे प्रेस वाला का फोन आता, बोलता है कि आपका बेटी यहाँ पर स्टूडेंट हो गया पढ़ल है, मोबाइल वाला फेंक के लोग गए वहाँ पर। मेरे बेटी पटरी का भी किनारे बेकल था भैया, किनारे बेकल था। कोई लड़का का फोन आया था पहले क्या? कोई लड़का लड़की उसका मोबाइल से एगो लड़का ऊपर भी एक की थी, मम्मी बगजा को रहा मम्मी मारा, इन लड़का का मोबाइल कट गया, फिर मेरा बेटी का मोबाइल से किए कि ये तू भी काट दी, सब कट गया। लड़का का कोई उसका दोस्त कोई था लड़का? पता नहीं, तो नहीं जानेंगे सर। हाँ बार बार में जाती थी, कहाँ जानेंगे हम के मेरा बेटी, घर का तो अंदर से निकलती नहीं थी, कहीं भी जाते थे तो साथ ही जाते थे। वहाँ मिश्रा में क्या होटल मैनेजमेंट करती थी, 2 साल हो गया था, सेकेंड एरिया में थी। आपका कौन लगता है? भतीजी लगता है, भाई का बेटी है। उसका बुरा तरह से मारा गया है, जैसा मेरा भतीजी को जान गया, जैसा मेरा भतीजी को मारा, उस तरह के लड़का को पकड़ करके और लड़का को पीछे पीस दीजिए, जैसा मेरा बेटी को मारा ने, हमरा बेटी लड़का को भी मारिए। लड़का को मैं छोड़िए, सुनने में आ लड़की लोग फोन के बुलाया था साथ में थे, हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को नहीं मालूम है, फोन आया को हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग को मोबाइल में फोन नहीं किया कि लड़के मारा है, और लड़का के माँ बाप भी जानता है कि हमारा मेरा बेटा मारा बोलता है। तिवारी का नाम आ रहा है, लड़का तिवारी, वही तिवारी होगा। क्या नाम पूरा उसका? पीयूष तिवारी है। वो कहाँ लड़का? भाग गया है हमारा बेटी को मार के, तो बाप माँ उसका बाप माँ उसका बाप माँ को तो मारे हैं हम लोग सब मिल के, मारे रहता है उसका बाप माँ। सुबह में हम लोग नहीं थे, भगा दिया कुछ हम लोग से बगजग हुआ। अर्चना जी प्रशासन से बात हुआ है? प्रशासन से बात हुई है, यही आश्वासन दिया है कि टाटी सिल्वा है, क्योंकि उस क्षेत्र का मामला था तो उस क्षेत्र में केस दे दिया गया है। अगर एक सप्ताह के अंदर में हम लोग अपने स्तर से, एक सप्ताह के अंदर में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है सब हत्यारे का, तो हम लोग अपने तरफ से हर सब महिला मिलकर थाना का घेराव करेंगे। इस सरकार में प्रशासन से डर जनता का उठ गई है कि हमेशा बलात्कार और केस देखने मिल रहा है, ये तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि केस बढ़ते जा रहा है। और अगर यही चीज मुस्लिम लड़का कोई हिंदू लड़की के साथ में करता तो सब लोग आगे आ जाते काफिले के साथ, और अभी हिंदू लड़की के साथ में एक ब्राह्मण लड़का इस तरह का दिन घटना घटी है, तो अभी कोई आगे नहीं आ रहा है सपोर्ट के लिए। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ लोगों की गलती है जो राजनीति करते हैं हर चीज में। मैं सबसे यही अपील करूंगी कि आखिर ये भी किसी की घर की बेटी थी, सब लोग आगे आए इसके लिए। देखिए प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम के आड़ में किसी का हत्या बलात्कार करना महागुनाह है, और सरकार प्रशासन से आग्रह रहेगी कि जल्दी से दोषी को कार्रवाई किया जाए। कैमरामैन समीर के साथ जॉय बनर्जी, न्यूज़ स्टेट, झारखंड। धन्यवाद।